हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन शो। सो आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल का अपकमिंग जो वर्जन है 0.18.0, उसका रिलीज डेट का रिलेटेड थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा था आप लोग के बीच में, वो क्लियर करने वाला हूँ मैं। और ये वीडियो का आखिर में हम लोग यूसी गिव अवे कर देंगे, तो आज का जो विनर होगा वो उसका गिव अवे हम लोग कर देंगे। और इवन ये वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं अपने कैरेक्टर आईडी, कल हम लोग ये वीडियो से जो यूसी गिव अवे का विनर होगा उसको पिक करके यूसी गिव अवे कर देंगे। तो गाइस, सबसे पहला जो डाउट आप लोग का क्रिएट हो रहा था 0.18.0 से रिलेटेड, कि 24th को हम लोग का अपडेट आने वाला है, क्योंकि गूगल में भी 24th दिखा रहा। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ, ये चीज़ सही है कि आपको गूगल में सही दिख रहा है कि अप्रैल 24th को हम लोग को 0.18.0 का अपडेट देखने को मिल सकता है। इसमें बोला गया है मिल सकता है, क्योंकि इसमें रूमर्स लिखा हुआ। तो ये जो आर्टिकल आप देख पा रहे हैं gadgetndtv.com से, ये आर्टिकल 100% गलत नहीं है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि ये जो आर्टिकल है 2 दिन पहले रिलीज हुआ है, और 2 दिन पहले पबजी मोबाइल का जो वर्जन था, बीटा वर्जन का, उसमें 0.18.1 का वर्जन था। तो इसलिए हम लोग एजम्पशन लगा सकते हैं कि जब भी कोई भी वर्जन आता है बीटा वर्जन का अपडेट, उसका 1 वीक बाद ही हम लोग एज्यूम लगा सकते हैं कि कुछ नया अपडेट आया। जब ये आर्टिकल 2 दिन पहले डाला गया था, तो पबजी मोबाइल का जो करेंट बीटा वर्जन था 0.18.1 का, तो वो 1 वीक पहले आ गया था। इसी चलते ये लोग का गेस था कि 24th तक आ सकता है। बट प्रॉब्लम ये हो गई, कल शाम या सुबह को 0.18.2 का एक अपडेट आया बीटा वर्जन में। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी बीटा वर्जन में अपडेट आता है, सबसे पहले मेजर जो अपडेट आता है 0.18.0, 0.16.0, ऐसा जो अपडेट आता है, उसमें एटलीस्ट 2 से 3 वीक्स लगता है वो बीटा वर्जन को चेक करने के लिए। उसके अंदर बहुत सारा अपडेट आता है, जैसे 0.1 वाला अपडेट आता है, 0.2 वाला अपडेट आता है। तो रिसेंटली कल 0.18.2 का अपडेट आया, और जैसे ही कल अपडेट आया, तो आप गेस कर लीजिए कि आपको पबजी मोबाइल को और 1 वीक चाहिए, क्योंकि वो वर्जन को पूरा टेस्ट करने में 1 वीक तो एटलीस्ट लेता ही है। क्योंकि अगर उसमें कुछ बग्स एंड ग्लिचेस रहा और बिना चेक किए ग्लोबल वर्जन में डाल दिया, तो आपका ही प्रॉब्लम होगा। जब आप गेम खेलेंगे तो आपको बग्स एंड ग्लिचेस और खतरनाक तरीके दिखे, ऐसे ही बग्स एंड ग्लिचेस तो दिखते ही है, मगर बिना चेक करके देगा तो और बग्स एंड ग्लिचेस मिलेगा, और आपको रैंक पुश करने में दिक्कत होगा, गाड़ी चलते चलते फूट जाएगा, तो आप ही का प्रॉब्लम होगा और आप ही पबजी मोबाइल को गाली देने वाले। तो अभी हम लोग बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड रीजन थोड़ा बात करने वाले कि रिलीज डेट कब होने वाला है। तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि अप्रैल 24th को अपडेट नहीं आने वाला, क्योंकि अप्रैल 23rd तो आज ही है, और एक दिन में बिना ट्रीजर और बिना ट्रेलर का पबजी मोबाइल कभी भी आपको अपडेट उपडेट नहीं देता। एक छोटा सा हार्टिक मोड आने का पहले कितना सारा टीजर और बैनर आपको देखने को मिला। ये तो 0.18.0 का इतना बड़ा अपडेट है, जो कि मीरामार 2.0 आने वाला है, तो विदाउट ट्रेलर और बैनर का तो आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना तो कन्फर्म है कि कल हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। क्यों मैं आपको बता दिया रीज़न, और ये आर्टिकल क्यों 100% गलत नहीं है, मैं रीज़न आपको बता दिया। अब मैं आपको ले जाता हूँ डेट एंड शेड्यूलिंग में, आपको मैं कम्प्लीटली रीज़न फैक्ट्स और सबके बेस में आपको बताने वाला हूँ कि कब हम लोग का अपडेट आ सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे, कल हम लोग का अपडेट आया बीटा वर्जन में 0.18.2 का, और इधर आप 22 का अपडेट आया। तो हम लोग गेस करते हैं कि पबजी मोबाइल को एटलीस्ट 1 वीक चाहिए एक वर्जन को पूरा देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो 22 से लेकर 29 तक हम लोग गेस कर सकते हैं कि इसके अंदर तो कोई अपडेट आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि बीटा हम लोग का टेस्ट होगा, उसके बाद हम लोग आगे का बढ़ेंगे। तो 22 से लेकर 29 तक हम लोग गेस कर सकते हैं कि अपडेट नहीं आने वाला। उसके बाद बचता है 31st, 31st का अपडेट आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता 31st को क्यों अपडेट आएगा, क्योंकि 2 दिन लास्ट बचा है बीटा के बाद। तो 2 दिन तो इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि 31st को अपडेट देने वाला है, और उसके बाद 2nd और 3rd का अपडेट इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें हम लोग आ जाता है वीकेंड। तो वीकेंड सैटरडे संडे को कभी भी आपको प्ले स्टोर एप्पल स्टोर में कोई भी गेम का अपडेट या कोई भी चीज़ का, तो जितना भी गेम का अपडेट होता ज़्यादातर आपको वीकेंड में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कोई प्ले स्टोर आप एप्पल स्टोर कभी भी सैटरडे संडे को पुश नहीं करता, क्योंकि वो उसमें वीकेंड रहता। तो गाइस, आपको समझ में आ चुका कि ये वाला वीक तो पूरा एंगेज है, इसमें तो अपडेट आने वाला नहीं है। नेक्स्ट वाला वीक में एक आप बोलते 31st को चांसेस है, बट मैं आपको रीज़न बताया कि 29 को जैसे बीटा टेस्टिंग खत्म होगा अगर, तो उसका बाद वाला दिन तो अपडेट आ नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद पबजी मोबाइल एडवर्टाइजिंग भी करता है, जैसे कि आपको पता है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में एडवर्टाइज करता है कि 0.18.0 अपडेट आने वाला है, तो बहुत सारा एडवर्टाइजिंग होगा। तो मुझे नहीं लगता 31st को भी आने वाला, और उसके बाद 2 दिन का वीकेंड आता, तो वीकेंड में कभी भी अपडेट नहीं आता। तो हम लोग गेस कर सकते 4th, 5th, 6th, तो ये 3 दिन के अंदर आपको अपडेट मिलने का चांसेस हाई है। ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी आपको पता होगा जो हम लोग का 0.17.0 का जो अपडेट आया था वो एक कंबाइंड अपडेट था 0.17.0 एंड 0.17.5 का। तो सीजन 12 रॉयल पास एंड 0.17.0 का दोनों का कंबाइंड अपडेट था, और हम लोग को रॉयल पास के लिए कोई भी अलग से अपडेट देखने को नहीं मिला। उसी अपडेट में हम लोग को जैसे टाइम हुआ, सीजन खत्म हुआ, सीजन
सीजन खत्म होने का जो टाइम होता है कि नया सीजन स्टार्ट होगा, तो उसी टाइम में हम लोग को रॉयल पास स्टार्ट हुआ, उसका पहले कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिला। तो वही वाला प्रोसीजर पबजी मोबाइल इसमें भी अपनाने वाला है, क्योंकि अभी भी COVID-19 खत्म नहीं हुआ, तो कम एम्प्लॉय का पावर लगे, कम मेहनत लगी, इसी चलते आप बोल सकते कंबाइन अपडेट हम लोग को पिछले सीजन से देखने को मिल रहा। और ये बोल सकते सही है, क्योंकि आप देख पा रहे COVID-19 के चलते बहुत सारा एम्प्लॉय काम में नहीं जा रहे, इसलिए जितना भी हो सकता है स्लो एंड स्टडी विन द रेस, हमेशा ये प्रोवर्ब को तो याद होगा। तो धीरे धीरे ही सही, मगर आपको अपडेट तो मिल रहा है, एकदम बंद तो नहीं है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि हम लोग को जो अपडेट है वो 4th, 5th या 6th, ज़्यादा प्रोबेबली है कि 5th और 6th को अपडेट मिले, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा हम लोग का पिछले वाला जो अपडेट था वो 3rd मार्च को आया था, जो कि ट्यूजडे था, और उसका आप बोल सकते हो 1 वीक के बाद ही हम लोग का जो रॉयल पास था वो आपको देखने को मिला। तो इस बार हम लोग देख लेते कब हम लोग का रॉयल पास आने वाला है, तो हम लोग आरपी में क्लिक करेंगे और हम लोग जैसे मैं देख के बता दूंगा कि कब रॉयल पास आने वाला है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 11 तारीख को हम लोग का सीजन 12 जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो 11 तारीख तक आप बोल सकते हैं कि अगर आप 100 आरपी नहीं किया तो आराम से आप कर सकते, 11 तारीख का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 12 तारीख को आरपी लॉक होगा और 13 तारीख को सुबह 7:30 बजे सुबह को हम लोग को रॉयल पास सीजन 13 मिल जाएगा। तो अभी 13 तारीख को ही अपडेट, मतलब आप बहुत सारे सीजन 13 स्टार्ट होने वाला था। अभी पबजी मोबाइल के पास अच्छा खासा टाइम है, आपको इजीली अपडेट दे के 0.18.0 का अपडेट दे के आराम से 1 वीक या 1.2 वीक का अंदर ही आपको रॉयल पास भी दे दे, क्योंकि अभी पबजी मोबाइल कंबाइंड अपडेट दे रहा है, आपको अलग अलग अपडेट देखने को नहीं मिल रहा। और मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि 0.18.0 एंड 0.18.5 के जो कंबाइंड अपडेट है एक ही साथ आपको मिल जाए, और रॉयल पास आने के पहले आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आज का इसे भी देख लेते कौन है, उसके बाद ये वीडियो को समअप करके ख़त्म करते हैं। तो इधर आप देख पा रहे कल का वीडियो, यही वीडियो में आपको बताया था कि कमेंट कर सकते हैं, तो आज ये वाला जो वीडियो आप देख पा रहे ये वीडियो का नीचे भी आप कमेंट करके अपना कैरेक्टर आईडी डाल सकते हैं, हम लोग कल सुबह को ये वीडियो को मतलब ये वीडियो से जो विनर होगा उसको यूसी की वे कर देंगे। तो कितना कमेंट है, 112 कमेंट है, तो चलिए इसको निकाल देते हैं विनर, पिक का विनर, और देख लेते कौन जीता। और उसके बाद हम लोग मिदास बॉय डॉट कॉम में जाते हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे अंकित रॉय ने जीता है, तो इसको दे देते हैं यूसी। पेस्ट, ओके। तो रॉय क्लास है, चलो ठीक है, इसको यूसी दे देते हैं। ओके गाइज, आई होप आपने देख लिया होगा यूसी चल गया है, तो आप भी पार्टिसिपेट लेते थे, सिंपली आपको अपना कैरेक्टर आईडी डालना होगा ये वीडियो के नीचे, जो वीडियो के नीचे मैं बोलता हूँ वही वीडियो के नीचे डालिए, क्योंकि सब वीडियो का कमेंट को मैं पिक नहीं करता हूँ, जिसमें मैं आपको खुद से बताता हूँ वही वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करेंगे तो उसी में फ़ायदा होगा, अगर बाकी वीडियो के नीचे करेंगे तो वो सबको मैं पिक नहीं करता, वो आपका वेस्ट ही जाता है। और इवन आप हो सके तो डुप्लीकेट कमेंट मत कीजिए, क्योंकि डुप्लीकेट कमेंट करने से आपका ही लॉस है, क्योंकि आपका एक ही कमेंट को पिक किया जाएगा, बाकी जितना भी कमेंट है वो आप बोल सकते डिस्क्वालीफाई हो जाता। तो ये कुछ चीज़ें था जो कि आपको क्लियर कर दिया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, अगर आपका वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा डेफिनेटली लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए अगर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर बेल का आइकन हो तो उसको भी क्लिक कर दीजिए, उससे ये होगा जब भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।